सो गाइज, इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YT स्टूडियो को यूज़ कर सकते हो। मतलब YT स्टूडियो को यूज़ करने का एकदम रियल सही तरीका इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे न्यू क्रिएटर क्या करते हैं, अपने YouTube चैनल को स्टार्टिंग किया, अपने जिस ID से अपने YouTube चैनल को स्टार्टिंग किया उसी ID से अपने YT स्टूडियो को ओपन करके लॉगिन करके वहाँ पर जैसे तैसे मतलब YouTube वीडियो को पब्लिश करने लगता है, एडिट करने लगता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स। लेकिन जो तरीका होता है, जो सही तरीका, जेन्युइन तरीका होता है, अगर उस तरीके से, उस लेवल के तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप अपना YouTube चैनल जल्दी से ग्रो करा पाओगे, ठीक है। नहीं तो गाइस, आप ऐसे ही अगर काम कराओगे YouTube का जो YT स्टूडियो है उसे लॉगिन करके आप जैसे तैसे काम करोगे तो ऐसे में नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो पे मैं आप लोगों को जो तरीका बताने वाला हूँ, एकदम रियल तरीका बताऊंगा अपने YT स्टूडियो को यूज़ करने का, एकदम सही तरीका। सो गाइस, वीडियो को फटाफट लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि गाइस इस चैनल पर आपको जेन्युइन रियल कंटेंट, एकदम जेन्युइन रियल कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर मैं वही आप लोगों को विद इन लाइव प्रूफ बताने वाला हूं। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। सो गाइज, बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ YT स्टूडियो को यूज़ करने का सही तरीका, ठीक है, बहुत ही इजी वे में। सो गाइज, यहाँ पर जैसे मैंने YT स्टूडियो को ओपन करा तो मैंने अपने चैनल को, ये मेरा एक्चुअली में दूसरा चैनल है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। तो ऐड किया एकदम बिल्कुल ईजी वे में समझना, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पर मैंने जैसे इस चैनल को खोला यहाँ पर, तो बेसिक मैं जो बड़े क्रिएटर्स बताते हैं या फिर बोलोगे कि जो दूसरे बताते हैं, मैं वैसे नहीं बताऊंगा, मैं नॉर्मली तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सबसे ऊपर में देख सकते हो, राइट हैंड साइड में चैनल के लोगो पर क्लिक करोगे, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आप लोगों को कुछ दे देता हूं, ठीक है। तो वहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डार्क थीम का। तो यहाँ पर जैसे इसको इनेबल कर दोगे तो ये आपका ब्लैक में आ जाएगा, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, मतलब जैसे कि ब्लैक हो गया आपका स्क्रीन एंड वाइट जो फॉन्ट वगैरह है सब है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ फिर से, एक्चुअली मुझे ऐसा मतलब पसंद नहीं, ठीक है। सेकेंड में जो है पुश नोटिफिकेशंस, मतलब आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जो आएगा ना, मान लो कोई कमेंट्स वगैरह करेगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो गया, अगर इसको विजिबल रखोगे तो आपको शो करेगा आपका मोबाइल पर नोटिफिकेशन जो आएगा। देन यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है, एक्टिव सरोज मेरे चैनल का यहाँ पर नाम है, तीसरा जो ऑप्शन है कमेंट नोटिफिकेशंस, मतलब जैसे कि कमेंट्स वगैरह कोई करता है तो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन और मिलेगी, ऑल इंपॉर्टेंट्स एंड नन, मतलब आपको अगर ऑल सभी नोटिफिकेशंस को प्राप्त करना है कमेंट्स के जरिए तो यहां पर ऑल क्लिक कर दो। इंपॉर्टेंट जो है उसको, मतलब वो इंपॉर्टेंट वाला जो आएगा वो दूसरे नंबर पर सेलेक्ट कर दो, या फिर नहीं चाहते कमेंट्स का नोटिफिकेशन लेना तो यहां पर नन कर दो, ठीक है, बैक आ जाओ। देन यहां पर लिखा है करेंसी। करेंसी में देखो, आप जब YouTube से अगर जो भी पैसा वगैरह अर्न करोगे तो आपको डॉलर में बेसिकली शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंसी पे जिसे क्लिक करोगे तो आपको जो भी मतलब पैसे में ढांचना है अपने पैसे को, जैसे डॉलर में हो गया, रुपीज़ में हो गया, करेंसी जैसे मैं आपको ऐड करना है उस टाइप का ऐड कर दो, वहाँ पर YT स्टूडियो में शो करेगा, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, सिंपली से बैक आ जानी है। अब यहाँ पर मैंने ये सब इजी मतलब जो बोलोगे ना स्टेप्स बताया, इजी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या खुल के आया, सब कुछ इस टाइप का खुल के आया। देन यहाँ पर देखो, ऊपर में एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलेगा, आपका सब्सक्राइबर्स, चैनल के लोगों के साइड में आपके चैनल का नाम होगा, यहाँ पर सब कुछ कुछ इस टाइप का खुल के आएगा। देन यहाँ पर देख सकते हो, नीचे में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगी, पांच ऑप्शंस, डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स एंड प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बोलोगे ना कि मतलब आप चेक क्या करोगे, कैसे करोगे, आप अपने वीडियो को अपलोड करे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। डैशबोर्ड जो है ना आपका कुछ इस टाइप का नज़र आएगा आपके चैनल का, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ शो करेगा, कुछ कुछ कमेंट्स भी नीचे शो करेगी, कुछ कुछ वीडियो कंटेंट भी शो करेगा, कुछ आपकी लेटेस्ट वीडियो जो आपने अपलोड की वो शो करेगा, एंड जो आपका एनालिटिक्स है वो थोड़ा सा शो करेगा, ठीक है, 28 दिन का बेसिकली, ठीक है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ सब ये सब हो जाने के बाद आपको नीचे में देख सकते हो कंटेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दो। आप जब कंटेंट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जितनी सारी वीडियोज आपने अपलोड करके रखे होंगे सब यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, लिस्टेड बाय। आप जब शो करेगा तो जो जो वीडियो यहाँ पर शो कर रही है देख सकते हो, सबका वीडियो का बोलोगे व्यूज़ एंड रेटिंग नीचे आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक्स नज़र आएगा, ठीक है,
एंड कितने दिन पहले आपने अपलोड किया वो भी नज़र आएगा वीडियो के साइड में जस्ट, ठीक है। देन यहाँ पर मैं कोई एक वीडियो पर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया तो एंड यहाँ पर देख सकते हो वीडियो का जो परफॉर्मेंस है कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। रैंकिंग बाय व्यूज़, कितना व्यू आया, इंप्रेशन कितना लोगों तक पहुँचाया गया, कितने परसेंट लोगों तक, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना मिला इस वीडियो से, यहाँ पर सब कुछ शो कर रहा है। अब इस वीडियो का और डीपली इंफॉर्मेशन जानने के लिए यहाँ पर आपको गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे क्लिक कर देनी। जब क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा है व्यूज़, कितने लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, यहाँ पर लिखा हुआ ऑडियंस रिटेंशन, ठीक है। ऑडियंस रिटेंशन से यहाँ पर देख सकते हो लाइफ टाइम में कितना कितना परसेंट लोगों को तक गया एंड कितने, मतलब बोलोगे कितने मिनट्स तक लोगों ने इसे वॉच किया, डेढ़ मिनट करीबन। रियल टाइम में यहाँ पर देख सकते हो मतलब 48 घंटे में कितने व्यू इस वीडियो पर आती है, यहाँ पर देख सकते हो 3 व्यू आती है। एंड टॉप ट्रैफिक सोर्स यहाँ पर देख सकते हो किन किन जरिए से वीडियो पर इस वीडियो पर व्यूज़ आते हैं। पहला नंबर है ब्राउज़र फीचर, दूसरा है चैनल पेज, तीसरा एक्सटेंशन, चौथा है आपका डायरेक्ट और अननोन, ठीक है। तो ये सब हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर रीच का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दो। इंप्रेशन कितने लोगों तक पहुँचाएगा मेरी इस वीडियो का, 1.2K मतलब 1200 लोगों तक मेरी इस वीडियो का नोटिफिकेशन सॉरी इंप्रेशंस जाया गया। मतलब जैसे कि इंप्रेशंस होता है क्या है कि जैसे मान लो आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हो तो वहाँ पर मेरी वीडियो वहाँ पर शो गई, ठीक है। आपने क्लिक की या फिर ना की, यहाँ पर इंप्रेशंस के तौर पर वहाँ आपके पेज पर गया, ये यहाँ पर काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स में। यहाँ पर यहाँ आपको सब कुछ शो करेगा, देख सकते हो ये सब। एंड इंगेजमेंट में वॉच टाइम शो करता है, ठीक है, वॉच टाइम, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है, ये सब शो करता है। तो वॉच टाइम कितना मिला, 0.9 आवर्स में है ये, ठीक। ऑडियंस में रिटर्निंग व्यूज़ जो है यहाँ पर देख सकते हो, यूनिक व्यूअर्स एंड सब्सक्राइब, यहाँ पर देख सकते हो रिटर्निंग व्यूज़ कितना है, 12। मतलब मेरी वीडियो को और जो पहले देखता था इस वीडियो के अलावा वो लोग भी, मेरी 12 लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये हो गया रिटर्निंग व्यू। अब यूनिक व्यूअर्स, यूनिक व्यूअर्स एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि आपकी वीडियो को जैसे कि कोई और बंदा जैसे कि आपके चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उसने आपकी वीडियो को वॉच किया, ये यूनिक व्यूअर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सब्सक्राइबर्स, 1 सब्सक्राइबर्स मिला मुझे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पर मेरा कंटेंट जो बेसिक खुला हुआ था यहाँ पर खुल के गया। देन यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, एनालिटिक्स, वो मैंने पहले बताया वीडियो का एनालिटिक्स, अब ये चैनल पूरे चैनल का एनालिटिक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ऑप्शंस मिलेगा ऊपर में, ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट, ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरव्यू में देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या शो कर रहा है, तो व्यू मेरे पूरे चैनल का 4000 जा रहा है, ठीक है, 28 दिन में। ये हो गया पहला व्यू चैनल का, पूरे चैनल का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दूसरा टॉप वीडियोस, यहाँ पर जो जो वीडियोस पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस हो रही है, जो वीडियो का व्यू अच्छी खासी जा रहा है तो यहाँ पर शो कर रहा है वो सब वीडियो, 28 दिन में कितना जाया रहा है और कितना गया, ठीक है। रियल टाइम व्यूज़ 48 घंटे में 87 रियल टाइम व्यूज़ आती है मेरे इस चैनल पर इन सब वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, इंप्रेशंस कितना है, 60,000 इंप्रेशंस भेजा गया मेरे इस चैनल के ऑल वीडियोस का, सभी वीडियोस को मिलाकर यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, पूरे चैनल का बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने अभी बताया एनालिटिक्स पर क्लिक करके। तो ये मेरे 60,000 लोगों तक मेरी ऑल वीडियोस का इंप्रेशंस भेजा गया, क्लिक किया या फिर नहीं किया वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इंप्रेशंस भेजा गया 60,000 लोगों तक। तो यहाँ पर ये इंप्रेशंस हो गया। नीचे में यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स टाइप, चैनल पेज, एंड स्क्रीन, ब्राउज़र फीचर एंड सजेस्टेड वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हो चैनल पेज के माध्यम से 48% लोगों तक व्यू गया, एंड स्क्रीन में 25%, ब्राउज फीचर में 19%, सजेस्टेड वीडियो में 6.1%, ठीक है। ये हो गया आपका जो बोलोग ट्रैफिक सोर्स से वीडियो, मतलब ट्रैफिक कितना मेरे वीडियो पर आया ऑडियंस, ठीक है। ये हो गया टॉप एक्सटर्नल सोर्स, मतलब जैसे कि कितने लोगों तक आपने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने वीडियो को मतलब रैंक कराया, जैसे व्हाट्सएप से हो गया, इंस्टाग्राम से हो गया, ये सब से, ठीक है, शेयर करके या फिर अदरवाइज। यहाँ पर है जो बोलोगे ना चौथा, वह टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स, यहाँ पर देख सकते हो कितने कितने, मतलब बोलोगे ना किनके किनके वीडियो के नीचे है, किनके किनके कौन कौन क्रिएटर के नीचे मेरी वीडियो शो करती, वी मेक क्रिएटर्स के नीचे, टेक चैम्पियन सपोर्ट सर के नीचे,
यहाँ पर देख सकते हो, और वीडियो का यहाँ पर टाइटल भी शो कर रहा है, बेस्ट ऐप टू वॉच IPL 2023। मतलब मेरे इन इन वीडियो, इन इन क्रिएटर्स के नीचे मेरी वीडियो शो करती हैं। जो आपका पांचवा है वो है टॉप वीडियोज सजेस्टिंग योर कंटेंट। मतलब यहाँ पर देख सकते हो वीडियोज, जो टॉप वीडियोज है उनके नीचे मेरी वीडियो को शो करती है। जो जो वीडियो है यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो इन सब में क्लिक कर करके भी देख सकते हो कि कैसे कैसे आपका परफॉर्मेंस कर रहा है आपकी वीडियो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये है आपकी पूरा एनालिटिक्स। तो सभी में बेसिकली क्लिक कर करके देख सकते हो इजी वे में, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है बेसिकली, मैंने यहाँ पर जो जितना बताया उतने ही है। नीचे यहाँ टॉप वीडियो सजेस्टिंग में यहाँ पर बताया मैं ज़्यादातर शो कर रहा है इन वीडियो के नीचे मेरी वीडियो शो कर रही है, ठीक है। ये अब यहाँ पर है टॉप प्लेलिस्ट प्लेइंग टू योर कंटेंट। मतलब मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट करके नहीं रखा तो इसको छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर एंगेजमेंट कि इससे पहले यहाँ पर रीच में ही देख लो, इंप्रेशंस के साइड यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करोगे इंप्रेशंस क्लिक थ्रू रेट, मेरी वीडियो का जितना ये इंप्रेशन जो है ना क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा रहेगा 3.1% है, मतलब काफ़ी लो है ये। आपका अगर ज़्यादा रहता है बेसिक में जैसे हो गया 12% या फिर 15, मतलब जितना ज़्यादा रहेगा आपकी वीडियो आपका चैनल और भी ज़्यादा रैंक करेगा, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ पर और स्क्रॉल करो, यहाँ पर व्यू 28 दिन का यहाँ पर शो कर रहा 4000, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर और स्क्रॉल करो, यूनिक व्यूवर्स में यहाँ पर शो कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया, यहाँ पर यूनिक व्यूवर कितना 2600 व्यूवर्स आती है 28 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर एंगेजमेंट पे क्लिक करो, एंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो 47 घंटा मेरी वीडियो पर सभी वीडियो को मिलाकर यहाँ पर 47 घंटा वॉच टाइम आया, ठीक है। तो यहाँ पर और राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करोगे तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन 41 सेकेंड का है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो रिटर्निंग व्यूअर्स में देख सकते हो 57 आ रहा है मेरी वीडियो पर, ठीक है, जिसने जिसने वॉच किया है वो व्यूअर्स मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो पर रिसेंट कोई वीडियो अपलोड करता है तो वो देखती है बेसिकली, ठीक। यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो एज, कितने लोग मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा, कितने वर्ष के लोग मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा देखते हैं, 18 से 24 वर्ष देख सकते हो 73%, ठीक है, ये सब हो गया। जेंडर जो है मेल सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। टॉप जियोग्राफीज यहाँ पर देख सकते हो इंडिया से हैं बेसिकली जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पर टॉप सबटाइटल में CC लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ नहीं है, वॉच टाइम टाइम्स फॉर सब्सक्राइबर्स ये सब कुछ नहीं है। अदर यहाँ पर नीचे देख सकते हो अदर चैनल्स दैट योर ऑडियंस वॉचेज, टैग चैम्पियन सपोर्ट, इस चैनल का जो ऑडियंस है मेरी वीडियो को वॉच करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो नीचे और ऊपर में स्क्रॉल करोगे तो यूनिक व्यूवर्स में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सब्सक्राइबर्स जो मेरे पूरे चैनल का 28 दिन में 23 सब्सक्राइबर्स बढ़ा है, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा। तो ये हो जाने के बाद आपका अब यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हो जाने के बाद ये सब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। एंड गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नीचे यहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, ये मैंने बताया डैशबोर्ड बता दिया, कंटेंट बता दिया, एनालिटिक्स बता दिया आपके चैनल का, यानी यहाँ पर साइड में देख सकते हो कमेंट्स का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करोगे आपके चैनल का जितना भी कमेंट्स है यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आई डोंट रिस्पॉन्ड यहाँ पर क्लिक करोगे जैसे, तो आपकी जो भी जो आपकी कमेंट है यहाँ पर शो करेगी, ठीक है, हो गया। देन यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो जो जो आपने प्लेलिस्ट बना के रखा होगा यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो डैशबोर्ड में यहाँ पर क्लिक करो फिर से, अब यहाँ पर देखो आपकी वीडियो रैंक कैसे करी। आपने कोई वीडियो अपलोड किया, सपोज दैट मैंने इस वीडियो को अपलोड किया, यहाँ पर क्लिक करोगे उस वीडियो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करोगे, आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स सब कुछ लगा लिया, ठीक है, टैग्स यहाँ पर टैग्स पर क्लिक करके यहाँ पर टैग्स भी लगा लिया, ठीक है, यह सब कर दिया, सेव कर दोगे वीडियो, तो देख सकते हो आपको 12 घंटे में देखनी है आपकी वीडियो पर अगर परफॉर्मेंस अगर ऊपर की तरह एरो अगर होता है तो ठीक ज़्यादा, अगर नहीं नीचे की तरह एरो है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो इंप्रेशंस क्लिक थ्रू रेट, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो पीपुल आर नॉट क्लोजिंग, यहाँ पर लिखा है चॉइसिंग टू वॉच दिस वीडियो एज अ फ्रेंड एज सम योर अदर वीडियो चेंजिंग, यहाँ पर टाइटल एंड थंबनेल, मतलब टाइटल और थंबनेल को चेंज करना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर टाइटल और थंबनेल को चेंज करके देखने 12 घंटे बाद फिर से आपका जो व्यूज़ है वो आपकी तरफ जाने लगेगा, एंड फिर से एनालिटिक्स खोल के देखो क्या कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है आपकी वीडियोज में। सो गाइज अगर ये छोटी जानकारी आप लोग अच्छी लगी होगी पूरे YT स्टूडियो को चेक करने की, मतलब
बोलोगे सही तरीका यूज करने की, आप लोग अच्छे लगेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस इस चैनल पर आपको जेन्युइन रियल कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।